हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सक्सेस गाइड चैनल। योर सक्सेस गाइड चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जीके सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जिसमें कि मैंने पॉलिटी से 25 क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? ये था सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि हमारे देश में प्रथम गवर्नर जनरल बने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय कहाँ गठित हुआ? ये कलकत्ता में गठित हुआ। इसका किस एक्ट के तहत हुआ? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया, और उनके साथ अन्य तीन न्यायाधीश भी नियुक्त हुए। ये थे चैम्बर्स, हाइड, लिमेंस्टर। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? कंपनी के कर्मचारी अब व्यापार नहीं कर सकते अपना निजी, और रिश्वत या उपहार भी नहीं ले सकते भारतीय लोगों से। ये था सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। की कमियों को दूर करने के लिए कौन से एक्ट का प्रावधान किया गया? ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स, सन 1781 ईस्वी का। किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की प्राधिकार प्रदान किया गया? ये था सन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, जिसमें की कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बना सकती थी। किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ? यह था सन 1784 ईस्वी का पिट सिटी एक्ट, जिसमें कि दो डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले को देखता था। किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? यह था सन 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस अधिनियम के? ये था सन 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत वर्ष का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतन आदि तो भारतीय राजस्व था सन 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसमें कि जो कर्मचारी थे उनको भारत के राजस्व में से वेतन आदि देने की व्यवस्था की गई। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करना और उसके उन्मूलन की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के तहत? सन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। सन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और उसका उन्मूलन भी किया। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया सर लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। इस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ये था सन 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे अब वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाएंगे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने का जो अधिनियम बना था वो है सन 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया इस अधिनियम के। भारत का जो शासन था अब वो सौंप दिया गया ब्रिटिश क्राउन, सीधे ब्रिटिश की सरकार सीधे हैंडल करेगी भारत के शासन।
ये था सन 1858 ईस्वी का भारत शासन। मुगल सम्राट के पद तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत। ये था सन 1858 ईस्वी का भारत शासन। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश डायरेक्ट शासन करने लगे भारत के ऊपर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को भी समाप्त किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। भारत के प्रशासन पर सन 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किसका संपूर्ण नियंत्रण था? यह था भारत के राज्य सचिव का। भारत के राज्य सचिव सीधे नियंत्रण करते थे पूरे भारतवर्ष, और भारत के राज्य सचिव ये उत्तरदायी होते थे ब्रिटिश क्राउन के ऊपर। ब्रिटिश क्राउन के लिए सीधे उत्तरदायी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? ये कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया सन 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? ये थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई सन 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। किस अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय काबू किया जा सकता है, और सन 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग भी किया गया। यह था सन 1873 ईस्वी का अधिनियम, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। यह था शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। यह हमारा क्विज ऑफ द डे है, इसमें आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? उम्मीद है आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। Who answered the quiz? ये साम्राज्यवाद का नाश हो, ये हिस्ट्री के सेशन में मैंने पूछा था आप लोगों से ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर दिया है गौतम कुमार जी ने। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था भगत सिंह। आप लोग भी अपने मेरे इस सेशन के क्विज को आंसर करके अपने नाम को पब्लिश करा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में आप लोगों के नाम को भी मैं पब्लिश कर सकूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू।